देश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के साथ साथ इसके लक्षण में बदलाव के भी संकेत मिले हैं। इस बार का कोरोना बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। इस बार कुछ ऐसे भी मरीज सामने आए हैं जिसको बुखार और सर्दी जुकाम नहीं, लेकिन वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिनिस्ट्रिंग्स डायग्नोस्टिक सेंटर की फाउंडर निदेशक डॉक्टर गौरी अग्रवाल ने कहा कि बुजुर्गों की तुलना में युवा ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार के लक्षण अलग हैं। कई लोगों को मुंह सूखने की शिकायत, उल्टी, आंखें लाल होना और सिर दर्द की शिकायत मिली है। गौरी ने कहा कि इस बार सभी मरीजों को बुखार होने की शिकायत नहीं है। Home collections, there is n number of calls which are difficult to handle. Definitely, we are trying the best to be with the nation and we are doing maximum number of home collections also. There is no problem with the infrastructure or machines. The problem is with the data entry, the government mandated rule of doing 24 hours. Within 24 hours, we have to do ICMR entries. The problem comes there. And definitely, since there's a surge, a lot of phlebotomists, data entry people and lab people are coming COVID positive. So there's a continuous hiring process where we have to train the people and then get them into the system. But we at GeneStrings are at toes to take this initiative. देश के वरिष्ठ डॉक्टरों ने भी कोरोना की नई लहर को लेकर चिंता जताई है। मेदांता के डॉक्टर अरविंद कुमार का कहना है कि कोरोना के नए आंकड़े डराने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगले एक हफ्ते लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, आईसीयू में बेड्स और वेंटिलेटर नहीं है, दवाओं की शॉर्टेज है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी अब ज्यादातर राज्यों में शॉर्टेज हो रही है। क्रिमेशन ग्राउंड्स में लंबी लंबी कतारें रखी हुई हैं, तो यानी कि बीमार होने पर इलाज के लिए अस्पताल में जगह नहीं है और मृत्यु होने पर शव दाह के लिए क्रिमेशन ग्राउंड्स में जगह नहीं है। इससे ज्यादा भयानक स्थिति और क्या हो सकती है, और ये नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। इस समय कई राज्यों में वीकेंड का कर्फ्यू लगा हुआ है, शायद वो कल से खुलेगा। मुझे नहीं पता राज्य सरकारें उसको एक्सटेंड करेंगी या नहीं करेंगी, लेकिन एक डॉक्टर के नाते मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि कृपया अगले 5 से 7 दिन आप घर पर रहें, किसी भी कीमत पर घर से बाहर ना निकलें। ये नंबर्स बहुत भयानक हैं और हमें इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हर हालत में यहीं रोक। गौरतलब है कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,61,500 नए मामले सामने आने के साथ ही कोविड 19 के कुल मामले बढ़कर 147,88,109 पर पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक उपचाराधीन मामले 18 लाख के पार पहुंच गए हैं।